हमारे सपनों पे तो पापा जी की काली शेडो पड़ी हुई है। कम से कम ऋतु का तो चक्कर चला देते हैं, इसलिए इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हर काम मक्खन की तरह स्मूथ होना चाहिए। बाय गॉड, सॉरी। बस इसे वो प्रमोद ब्रो ना मिल रहे, बिग रिजोर्ट, वेरी वेरी। हाँ ठीक है ठीक है, बहुत सुखी। बोल रही हो डॉक्टर दिखा लेते हैं। अरे तुम लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हो यार, कुछ नहीं हुआ है, छोटी सी मोच है, ये ठीक हो जाएगा। अरे क्या हुआ छोरी, ये वहाँ क्यों कर रही है? कुछ नहीं हुआ है पापा जी, वैसे भी कुछ हुआ है तो आपको थोड़ी ना कुछ फर्क पड़ा। अरे बापू तेरा, दिखा। कुछ नहीं हुआ है पापा जी, बाप। इसे कह रही है कुछ ना हुआ? ये फिजिकल चोट तो दिखाई दे रही है आपको पापा जी, लेकिन दिल के जो घाव है वो ना दिखाई दे रहे। उसका भी इलाज कर लेंगे बेटा, पहले इसका तो कर ले। आजा आजा सुबह बरबर। जो बाप का दिल भी ना मोमबत्ती की तरह मुलायम होता है, जरा सी तकलीफ गर्मी से पिघल जाता है। दुकान के मामले में ऐसा मत करना चिड़ची, और नया झज्जर में सह परिवार सेटल होने का जो मेरा सपना है ना, उस पर पानी फिर जाएगा। स्पिनिंग है? हाँ। या? हाँ। Yes? पूरा ही दर्द हो रहा है अभी। ओके ओके ओके। लुक्स लाइक अ लिगमेंट टेयर। प्रमोद बेटा बता सकता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है और करना क्या होगा? बिकॉज दिस इज हिज एक्सपर्टाइज। डॉक्टर प्रमोद, छोटा हड्डी की बात कर रहे हैं ये? शेखर जी, आपने भी तो डॉक्टर की पढ़ाई की हुई है ना? मेरा एरिया सिर्फ रिसर्च है, मैं पेशेंट्स को ट्रीट नहीं करता, लेकिन मैं प्रमोद को बोलता हूँ, ही इज रियली गुड। आइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आप चेक करो ना। धर्मपाल जी, परमिशन है ना आपकी? पक्का ना? बाद में आप डांटेंगे तो नहीं? मुझे बहुत डर लगता है आपसे। ना ना, आप चेक कर लो, बच्ची की हालत ठीक नहीं है। अच्छा। ना मुझे नहीं लगता इस छोरी के हाथ में चोट लगी है, मुझे तो लगता है कि ये छोटा हड्डी से मिलने जुलने का बहाना है। मुझे ना इस छोरी पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। मैं सबका दिमाग तेरे जैसा टेढ़ा ना होता चंचल। हाँ, और आपकी तरह ना पैदल भी नहीं होता, खोर बुद्धि। मैं जानते नहीं हूँ अपने भतीजे का, मैं बता रही हूँ कोई ना कोई प्लानिंग तो जरूर चल रही है इन दोनों की। कहा था ना मैंने चेक करने दो, पर नहीं, चेक करने दो ठीक से। कमाल है, जो दूसरों की हड्डियां बार बार क्रैक करती है, उसकी खुद की हड्डियां इतनी फ्रेजाइल है, आई मीन नाजुक है। कुछ भी ऐसा कुछ ना है। सुशीला दीदी, बोन वेरी वेरी मजबूत, ऐसी तोड़ती है दूसरों की बोन से। आप एक्स्ट्रा लेके चेक कर लो। लंदन में 5 साल डॉक्टरी की पढ़ाई आपने की है? मैंने। आपकी हड्डियों में ना कैल्शियम की कमी है, और विटामिन डी भी ठीक से नहीं लेती हैं आप। धर्मपाल जी, दूध बादाम बंद कर दिया क्या इनका? ना मामला सीरियस है क्या? एग्जैक्टली बताना तो मुश्किल है, कुछ टेस्ट करके देखने पड़ेंगे, एक्सरे, बोन डेंसिटी वगैरह। तब तक के ना मार कुटाई बंद, भारी सामान उठाना भी बैन है। एक बार अगर हड्डी टूट गई ना तो जुड़नी कितनी मुश्किल होती है, ये तो तुम्हें धर्मपाल जी भी बता देंगे। क्यों? हाँ, मैं खुद ध्यान दूंगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।